कांग्रेस विधायक दल की बैठक कांग्रेसियों ने अपनी सरकार विरुद्ध भड़ास कढ़ी। अज की खास खबर से नजर पा लें, कुछ आगुओं ने सरकार के मैनीफेस्टो विचले वादे पूरे ना करन ते गुस्सा कढ़िया। मीटिंग दे विच पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद सी। सूत्रों मुताबक कुछ विधायकों ते अफसरशाही दे वल्लों उन्हां दी सुनवाई ना करन दा रोना रोया। एक मंत्री ने दलितों के नाल कीते वादे पूरे ना करन दी आवाज चुकी। कुछ विधायकों ने आख्या जे हुण भी वादे पूरे ना कीते तां 2022 दीआं चोणां दे विच इसदे सिट्टे भुगतने पैणगे। अज कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई जिस दे विच कांग्रेस के विधायकों ने अपनी सरकार के विरुद्ध भड़ास कढ़ी। कुछ आगुओं ने सरकार के मैनीफेस्टो विचले वादे पूरे ना करन ते गुस्सा झाड़िया। तो मीटिंग विच पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। सूत्रों मुताबक कुछ विभागों ने अफसरशाही वालों उन्होंने सुनवाई ना होने का रोना रोया। तो एक मंत्री ने दलित वर्ग के लोगों किए वादे पूरे ना करने की आवाज़ उठाई। कुछ विधायकों ने यह भी आख दिता कि जेकर हुण वादे ना पूरे होए तो इसके सिट्टे 2022 दी चोणां दे विच भुगतने पैणगे। साडे सहयोगी तरलोचन सिंह साडे नाल फोन लाइन से जुड़ गए ने, होर वधेरी जानकारी उन्होंने लवोंगे। तरलोचन जी, ये कोई पहली बार नहीं होया कि सरकार के अपने ही नुमाइंदियां ने सरकार के कारगुजारी से उंगली चुकी हुई। अज फिर विधायक दल की जिहड़ी बैठक सी उस दे विच अजिहा ही होया, पर इस दे विच एक खास गल ये सी कि पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद सी। इस तों इलावा होर कुछ निकल के सामने आया? बिल्कुल तुसीं ठीक है, समय समय पंजाब कांग्रेस जिहड़े विधायक ने लीडर ने इत्थों तक कुछ मंत्री भी अक्सर अपनी सरकार विरुद्ध भड़ास कढ़दे आए ने। और हुण जदों पंजाब कांग्रेस जिहड़े नवें नियुक्त होए ने इंचार्ज हरीश रावत, वह पिछले दिनों च पंजाब चंडीगढ़ के दौरे पर आए थे। जो जानकारी मिली है भी कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी जिस विच हरीश रावत उन्होंने जस्ट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना ही, पर इसे दौरान ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੀ, बहुत बहुत शुक्रिया तरलोचन जी, तुसी तमाम जानकारी साढ़े तक पहुंचाई। एक बार फिर जो दस दिए कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिस दे विच कुछ कांग्रसियों ने अपनी ही सरकार के विरुद्ध भड़ास कढ़ी। कई ने उन्हां दी अफसरशाही वालों ना सुने जाने का रोना रोया, तो कुछ ने विकास कार्यों नूं लैके गल कीती।